मैर कैसी है? देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते, सीनियर डॉक्टर पेशेंट के साथ है, थोड़ा सब्र कीजिए। दीदी पिछले कई दिनों से मुझे लग ही रहा था कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और देखिए भाभी इस सबका दोष किस्मत या वक्त पे मत डाले, सबका दोषी सिर्फ एक ही इंसान है और वो है अभी। अपने ऑफिस के 10,000 से भी ज्यादा लोगों को संभालने वाले आपसे अपना एक बेटा भी संभाला नहीं जा सका, आपने बात को इतना बिगड़ने कैसे दिया देवर जी? तो क्या करता मैं भाभी, क्या करता मैं? उन माँ बेटी को अपने चालों में कामयाब होते दिखता रहता मैं। बहुत कोशिश की मैंने कि अबीर वापस घर आ जाए, लेकिन मुझे कदम उठाना ही पड़ा भाभी। एक वक्त में एक ही कदम उठाया जाता है देवर जी, अगर इंसान दोनों कदम एक साथ उठा के उड़ने की कोशिश करे ना तो वो उड़ता नहीं है, जमीन पर गिर जाता है। अरे वो माँ बेटी और अबीर दोनों के साथ दुश्मनी कर ली आपने, मैंने कितने प्यार से इस घर को संभाला था, संजो के रखा था, जोड़ के रखा था, और एक महीना आपके भाई की याद में बने हुए वृद्धाश्रम की देखभाल करने में बाहर क्या चली गई और आपने सब कुछ बिखेर के रख दिया। मैंने कहा था ना आपसे, आप कुछ भी मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। देवर जी बिजनेसमैन ऑफिस में उलझे हुए ही अच्छे लगते हैं, घरेलू मामलों में नहीं। चूड़ियों की खनखन सिक्कों की खनखन से नहीं काटी जा सकती देवर जी, औरतों का काम औरतें ही कर सकती है देवर जी। मानती हूं वो दोनों जरा ज्यादा भिन्न भिना रहे थे, पर आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए था देवर जी। अरे ना आप उन दोनों को यहां बुलाते और ना मेहर मेरे गाड़ी से टकराती। माम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, अगर मैंने ये गलत काम नहीं किए थे तो आज ये कुछ भी नहीं होता। माँ मुझे माफ कर दो प्लीज माँ। टुडू बस कर, तू पहले ही बहुत रो चुका है, अब भगवान से प्रार्थना कर कि तेरी दी को कुछ ना हो, वो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ देवर जी, मेहर का एक्सीडेंट मेरे गाड़ी से हुआ था और मैं ही उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। क्यों भाभी, क्यों लेके गई आप? बड़ी रहने देती अपना भाई खत्म हो जाता। अपने बेटे की रौद्र रूप को इतने जल्दी भूल गए आप देवर जी? अरे ये तो सिर्फ एक्सीडेंट है, अगर वो मर गई होती तो वो यहाँ पर आग लगा देता, आग, और हम सब बाल्टिया भर भर के वो आग बुझाने के लिए दौड़ रहे होते, अभी देवदास बनकर ताजमहल बना लेता और आप उसका बिल चुका रहे होते देवर जी। अभी जी पर मैं ये सब पर किंतु परंतु ये सब कमजोरों की भाषा है और कमजोर लोग जंग नहीं लड़ा करते। अभी आपकी कमजोरी है तो फिलहाल इस मामले में आप कुछ भी मत कीजिए। निश्चिंत रहिए देवर जी, मैं इस परिवार को बिखरने नहीं दूंगी। घर का दीपक अबीर इसी घर लौटेगा। और वो मेहर ईश्वर उसे हमारे भले के लिए बचाए, वो अबीर के जिंदगी से बाहर होगी, पर मैं जो भी करूंगी अपने तरीके से करूंगी। आठ साल पहले उस लड़की ने
हमारे बच्चे को हमसे छीना था, इस बार नहीं होने दूंगी। और वो उसकी माँ, उसने हमारे बच्चे पे हाथ उठाया, हमारे हमारे अबीर पे। जी तो किया था उसी वक्त थप्पड़ का जवाब दे दूं, पर मुझे शांत रहना पड़ा। कर्ज रहा, पर कर्ज तो ब्याज के साथ चुकाने में ही मजा है ना देवर जी। आप अपने ड्रिंक्स लेकर निश्चिंत होकर सो जाइए, अब जो भी होगा सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि अब प्यार भी मेरा और बार भी मेरा। मेरे बच्चे की जान सिर्फ तेरे हाथ में है बापा, उसे बचा ले, उसे बचा ले बापा। जी सर, हाँ जी सर, अगर कुछ भी होता है तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच सर। जी अबीर, अबीर कहाँ गया था तू? उस आदमी के पास जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जिसको देखने दीजिए ना वो, प्लीज बस एक बार देखने दीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। एक बार प्लीज बुआ। मम्मी जी बोलिए ना बुआ जी को एक एक बार मिलने देंगी तो क्या हो जाएगा। जो भी हमारा रिश्ता था, जो भी मेहर मेरे लिए थी, जो भी कुछ मैं उसके लिए था, उसका वास्ता आपको अपना क्या जोड़ता हूँ। मैं जिंदगी और मौत के बीच खेल रही हूं, मेरी वजह से ना मामा मुझे सॉरी क्यों नहीं बोलने देती। उसको सॉरी बोलना चाहता, उसको उसको हिम्मत देना चाहता हूं कि वो ठीक हो जाएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे एक बार गलत को सही करने का मौका दे दो। एक बार मैं आपके पैर छू, एक बार शायद मेरी आवाज उस तक पहुंच जाए। एक बार मुझे जाने दो, अब जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूंगा उसके बाद।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।